नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कर्नाटक से हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर मचे बवाल ने अब मध्य प्रदेश को भी अपने आगोश में ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने हिजाब को प्रतिबंधित करने की बात कही थी, फिर विरोध उठने की बात से सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त हिदायत देते हुए शिक्षा मंत्री को अपने बयान से यू टर्न लेने को कहा और शिक्षा मंत्री ने अपने बयान से पलटते हुए यू टर्न लिया। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सरकार का पक्ष रखते हुए अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का हिजाब पर कोई भी प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं और न ही सरकार ने कोई आदेश दिया है। अब मध्य प्रदेश के दतिया में पीजी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एक लिखित आदेश में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाई है। इससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश सरकार को दतिया पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने ठेंगा दिखाया है। मध्य प्रदेश में हिजाब प्रतिबंध को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सूचना अधिकार प्रकोष्ठ जिला सिंगरौली के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता उमेद हसन सिद्दीकी ने दतिया के पीजी कॉलेज प्राचार्य को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। आगे श्री सिद्दीकी ने कहा कि दतिया प्राचार्य की मानसिकता एक विशेष धर्म को टारगेट करने वाली विचारधारा है, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के नियमों को भी धता बताने वाली विचारधारा है, इसलिए प्राचार्य को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री जी मामले को संज्ञान में ले और दतिया के प्राचार्य को सस्पेंड कर सुशासन का परिचय दे। जाहिद खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।